सरकार के तमाम वादों के बाद राशन और घर के लिए तरस रहा गरीब। परिवार जन प्रतिनिधियों के द्वारा कराए गए विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित। आयुष्मान भारत, उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम विकास योजना चढ़ी भ्रष्टाचारियों की भेंट। विकासखंड गोवर्धन अंतर्गत क्षेत्र के गांव अहमल पट्टी का है, जहां एक परिवार आज भी सरकार द्वारा तमाम वादे और घोषणा होने के बाद तरपाल टांगकर झोपड़ी बना रहे हैं और परिवार का राशन का भी गुजारा जैसे तैसे चल रहा है। परिवार के मुखिया पार्वती का कहना है कि ना तो मेरे पास राशन कार्ड है और ना ही मुझे गैस सिलेंडर मिला है और ना मुझे शौचालय मिला है और ना ही मेरे पास पक्का मकान है। अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई ग्रामीण जनप्रतिनिधि हालचाल पूछने तक नहीं आया। आज बरसात के दिनों में मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। मेरी शासन प्रशासन और सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी मदद करे। आज मैं भूखे मरने पर मजबूर हूँ। मैं आपका पार्वती। किस गांव के रहने वाले हो आप? अहमल नगरिया। समस्या क्या है आपकी? मैं ये समस्या बता जा रही हूँ कि मेरी राशन कार्ड 3 बार में आप लेके राशन कार्ड ना बन। फिर खाने की व्यवस्था कैसे करते हो आप? अब देखो, हम तो गाड़ी पर आदमी है, न खाने के लिए सुविधा है रहा, ना राशन मिल रहा, ना कुछ मिल रहा। जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत में गैस सिलेंडर वगैरह जो फ्री में दिए जाते हैं, क्या वो सुविधा है आपके पास में? वो सिलेंडर भी सुविधा नहीं ना, पार्दन ना, कुछ ना। तो खाना किस पे बनाते हो आप? मैं लकड़ियां से चूल्हे पे बनाते। आवास योजना के अंतर्गत कोई प्रधान ने या कोई अप्लाई किया आपके आवास के लिए? जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे झोंपड़ी डली हुई है, कैसे आप गुजारा करते हो? कोई अप्लाई ना झोंपड़ी में, झोंपड़ी में कोई अप्लाई ना हुई अभी तक, नहीं हुई है। तो क्या चाहते हो आप प्रशासन से? आपकी यह चाहते हैं राशन कार्ड बनने चाहिए। राशन कार्ड बनना चाहिए आपको? हाँ। जी। और पक्का मकान बनना चाहिए? मकान बनना चाहिए जी।